हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आरआरबी मैथ की नई रिपोर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज यानी सीआई और इसमें गुना वाले प्रश्नों को कैसे हल करें। हम बिल्कुल आसान तरीके से सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और आप बिल्कुल सीख जाइएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है, किसी चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाया गया कोई धन 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो 4 गुना कब होगा। यहाँ पे दिया है 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, यानी यहाँ पे आपका 10 वर्ष में 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। तो पूछा है यानी 4 गुना कब होगा। 4 गुना आपसे पूछा है कब होगा, यानी कितने वर्ष में होगा, यहाँ पे आपको बताना है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 2 गुना हो जाता है 10 वर्ष में, तो 4 गुना कितने वर्ष में होगा ये पूछा है। तो 2 के पावर हम कितना रखेंगे कि यहाँ पे 4 आएगा। अगर हम 2 के पावर अगर यहाँ पे 2 रख दें तो आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो पावर आया है, यहाँ पे जो पावर दिया है, इसमें ला करके गुणा कर देंगे। गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 20। और 20 वर्ष दोस्तों आपका राइट आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, उसी दर से वह 27 गुना कब हो जाएगा। यहाँ पे दे रखा है 4 वर्ष में, 4 वर्ष में हो जाता है 3 गुना। तो कह रहा है 27 गुना कितना, 27 गुना कितना वर्ष में होगा, ये यहाँ पे हमको बताना है। अब यहाँ पे देखेंगे 3 के पावर में कितना रखेंगे कि यहाँ पे 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 3 के पावर रख देते हैं, 3। 3 के पावर अगर 3 रख देंगे तो यहाँ पे 27 गुना हो जाएगा। अब यहाँ पे जो पावर दिया है, पावर को इधर ला करके 4 में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अगर गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 वर्ष आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 6 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, उसी ब्याज की दर से वह धनराशि अपने से 8 गुनी कितने समय में होगी। क्वेश्चन में ये पूछा है, पहले यहाँ पे दिया है 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, यहाँ पे दे रखा है 6 वर्ष में कितना गुना, 2 गुना हो जाता है। तो कह रहा है 8 गुना कितने वर्ष में होगा, यहाँ पे दे रखा है 8 गुना, 8 गुना कितना वर्ष में होगा, यहाँ पे हमको बताना है। तो यहाँ पे 2 गुना दिया, अब 2 का पावर कितना करें कि 8 गुना हो। तो यहाँ पे 2 के पावर हम 3 रख देंगे, 2 के पावर 3 रख देंगे तो 8 गुना हो जाएगा। अब यहाँ पे जो पावर दे रखा है, इधर ला करके 6 में 3 से गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो गया आपका, 18 हो गया। 18 वर्ष में कितना गुना, 8 गुना हो जाएगा। 18 वर्ष आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों, अगर हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, वह राशि 18 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी। करे 18 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी, यहाँ पे 6 वर्षों में दिया है, 6 वर्ष में, 6 वर्ष में कितना गुना, 2 गुना हो जाता है, 6 वर्ष में 2 गुना। अब यहाँ पे कह रहा है कि 18 वर्ष में, 18 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, यहाँ पे हमको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे 6 वर्ष है, यहाँ पे 18 वर्ष है। अगर यहाँ पे 6 का गुणा कितना बार किया जाए कि 18 होगा, तो 6 में अगर हम 3 से गुणा कर दें तो ये 18 मिल जाएगा।
तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे यह दो है और ये दो के पावर में क्या लिखेंगे, तीन लिख लेंगे। तो यहाँ पे दो है तो यहाँ पे दो लिखेंगे और दो के पावर ये क्या हो जाएगा, तीन, क्योंकि तीन इधर पावर रहता था तो पावर का इधर जाके गुणा होता था और वही इधर आकर के पावर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, दो का पावर तीन, तो इसका मान आठ हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, आठ गुना हो जाएगा, आठ गुना हो जाएगा, अट्ठारह वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, आठ गुना, और आठ गुना आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 1200 रुपया की धनराशि 5 वर्ष में दो गुना हो जाती है, तो 20 वर्ष के बाद वह कितनी गुनी हो जाएगी। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है, यहाँ पे दे रखा है 5 वर्ष में कितना गुना, दो गुना हो जाएगा। सिंपल यहाँ पे लिख देंगे 5 वर्ष में कितना गुना हो जाता है, तो दो गुना हो जाता है। इसके बाद पूछा है 20 वर्ष में कितना गुना, तो यहाँ पे 20 वर्ष में हमको बताना है। अब यहाँ पे देखिए 5 वर्ष दिया, यहाँ पे 20 वर्ष है, अब यहाँ पे 5 का कितना गुना 20 है, तो यहाँ पे 4 गुना होगा, 5 का 4 में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 20 वर्ष होगा। अब यहाँ पे गुणे में जो दे रखा है, यहाँ पे 2 के पावर में हो जाएगा 4, 2 के पावर में 4। अब यहाँ पे जब 2 का पावर 4 होगा तो कितना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 16 गुना हो जाएगा, यानी 20 वर्ष में कितना गुना, 16 गुना हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दे रखा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 1200 रुपया की धनराशि है, तो यहाँ पे हम 1200 में, सॉरी यहाँ पे 12000 है और 12000 का हम 16 गुना का गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 192000, 192000 रुपया होगा, और यही आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1200 रुपया 2 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तब यह 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है 2 वर्ष में 3 गुना, तो 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 3 गुना हो जा रहा है, 2 वर्ष में 3 गुना, तो 8 वर्ष में कितना गुना होगा, तो 2 का हम गुणा कर देंगे कितना बार की 8 होगा, तो यहाँ पे 4 बार गुणा कर देंगे, 2 का गुणा 4 बार करेंगे तो यहाँ पे 8 मिलेगा। अब यहाँ पे देखेंगे जो गुणा किया गया है, जिससे गुणा करते हैं 3 के पावर में लिख देंगे, 3 के पावर यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 है, क्योंकि यहाँ पे 4 का गुणा किया गया है और यहाँ पे इसके पहले पावर ही यहाँ पे जाके गुणा होता था, अब यहाँ पे गुणा वाला यहाँ पे क्या होगा, पावर हो जाएगा। तो ये आपका 3 के पावर 4 कितना होगा, 81 गुना हो जाएगा, कितना गुना, 81 गुना। लेकिन यहाँ पे 1200 रुपया दिया है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1200 रुपया में 81 का गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 97200 हो जाएगा। ठीक है, 97200 रुपया आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 7 सवाल। दोस्तों बताइए हमारी यह वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।